बस कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही भले चंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं गार्डनिंग चैनल प्रकृति ज्ञान एंड नेचर ब्लॉग में। मैं रवि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। और ये देखिए सुंदर सा फूल, और ये जो प्लांट देख रहे हैं जंगली प्लांट है और ये बाउंड्री के वाल में उगा हुआ है। बहुत अच्छा दिख रहा था तो मैंने सोचा इसका वीडियो भी आप लोग को शेयर कर दूँ। दोस्तों, आज मैं एक मेडिसिनल हर्ब प्लांट के बारे में चर्चा करूंगा। ये जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं इस प्लांट्स का नाम है चिराता, जो बाज़ार में या मार्केट या जड़ी बूटी वाले दुकान में सूखे पत्तों के साथ, लंबी लंबी टहनियों के साथ, जड़ों के साथ आपको मिल जाएंगे। और ये काफ़ी यूज़फुल होता है। इस प्लांट के पत्ती, जड़, तना सभी भाग काफ़ी इम्पोर्टेंट रहते हैं। दोस्तों, अगर आप इसका सेवन करेंगे तो हमेशा निरोग ही रहेंगे। और इसका क्या क्या यूज़ होता है पूरी बात बताऊंगा। तो वीडियो में अगर नए हैं, मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारे बीच जितने भी संक्रमित बीमारी होती है जैसे सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम, ये उस सभी बीमारियों को नाश करता है। और जैसे हमारी स्किन डिजीज़ जो बीमारी होती है उसमें भी अगर इस प्लांट का हम सेवन करेंगे तो काफ़ी लाभदायक होता है। ये हमारे बॉडी में जो खून होता है उसको भी प्यूरीफाई करने का काम करता है और साथ ही हमारी इम्यूनिटी को भी काफ़ी बूस्ट करता है। और पेटों की समस्या जैसे पेट में गैस बनना या ब्लॉटिंग की समस्या या कॉन्स्टिपेशन की समस्या, उसमें भी ये प्लांट काफ़ी ज़्यादा राहत दिलाता है। और इसकी उपयोगिता तो बहुत है और इस छोटे से वीडियो में बताना असंभव सा है। और साथ ही साथ ये कैंसर जैसे बीमारियों का भी इससे इलाज किया जाता है। तो दोस्तों, ये चिराता बहुत ही दुर्लभ प्रजाति का जड़ी बूटी वाला प्लांट है और ये हमेशा पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। ये एक वर्षीय प्लांट है और इसकी ग्रोथ आप देखेंगे तो 2 या 3 फीट तक ईज़िली हो जाती है। पत्ते का आकार तिकोना होता है, भाला के आकार या तीर के आकार के जैसे होता है। और पत्तों को अगर आप तोड़ेंगे और मुंह में रखेंगे या जीभ में इसका टेस्ट लेंगे तो पूरा कड़वा रहता है, बहुत ही कड़वापन रहता है। यही इस पत्ते की पहचान है, इस प्लांट की पहचान है दोस्तों। और मार्केट में ईज़िली मिल जाती है ये प्लांट्स। और इसकी कैसे यूज़ किया जाए, उसके पत्ते, सूखे पत्ते जो रहते हैं या टहनियाँ रहती है जड़ सहित, थोड़े मात्रा में अगर हम पानी में डुबा दें पूरे रात भर और उस पानी को हम खाली पेट पीते हैं तो हमारे शरीर के लिए काफ़ी यूज़फुल होते हैं ये। या तो इसका चूरन भी बनाया जाता है और डॉक्टरी सलाह के अनुसार इसका उपयोग किया जाता है। और दोस्तों, इस प्लांट को गौर से देखिए, ये हमारे आसपास जंगली इलाकों में बहुत ही रियर में मिल जाती है, दुर्लभ पौधा है। तो अगर आप इसे गार्डन में ऐड करना चाहते हैं तो आप इसे ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहाड़ी क्षेत्र या जंगल में जाना होगा इस प्लांट को लाने। तो मेरे घर के बैक साइड में ये प्लांट है, मैंने इसे ग्रो नहीं किया था, ये अपने आप जंगली घास वगैरह से उग गया था। इसके फ्लावर वाइट कलर के होते हैं, उसी में इसकी सीड्स बनते हैं जो हमारे कुछ दूर में जंगल है वहाँ से उड़ के आ गए होंगे और ये अपने आप ग्रो हो गया है।